हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ SBI क्लर्क का जो आज DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसका एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने जो है अपना DV का जो है एक्सपीरियंस वो मेरे साथ शेयर किया, तो वो जो मतलब उन लोगों के साथ मतलब उनका DV की प्रोसेस जो है वो कैसी रही वो मैं उनका एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो सके, उनको भी पता लग सके कि DV में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या वहाँ की प्रोसेस है और कैसे कैसे क्या होगा। आपको कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन सब्सक्राइबर ने मेरे साथ जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उनका नाम खुशी है और वो दिल्ली सर्कल में उनका जो है वो DV का प्रोसेस उनकी आज थी। उनका जो मॉर्निंग में उनका जो है वो टाइम DV का स्केड्यूल था तो वो मॉर्निंग में वहाँ पर पहुँच गए थे। तो मॉर्निंग में आपका वहाँ पे ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था थी और उसके बाद आपका लंच की भी वहाँ पे व्यवस्था होती है जिन लोगों का जो है वो इवनिंग की शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो वो बोले कि सबसे पहले तो जो है जो जो आपकी ईमेल में डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक किए जाएंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बोला कि आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे कि ईमेल में मेंशन है कि 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं पर उनसे जो है वो 3 करेक्टर सर्टिफिकेट मांगे गए, तो उनके पास तो ऑलरेडी वो बोले कि मेरे पास 3 से 4 करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने पहले ही बनवाए हुए थे तो उन्होंने वहाँ पे जो है वो दे दिए थे। तो मैं आपको भी बोलूँगा कि अगर आपने भी 2 ही करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो आप तीसरा भी बनवा लें, आपके कॉलेज से बनवा लें कि आपके कॉलेज का आपके पास पड़ा हो तो आप वो भी साथ में लेकर जाएँ। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको घर पे छोड़ के नहीं जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं, खासकर कि जो आपके ईमेल में मेंशन है विद ओरिजिनल। बायोडाटा फॉर्म का मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया बायोडाटा फॉर्म के वो एक फॉर्म ही वो भर के वहाँ पे लेके गए थे और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनकी जो कॉपीज मतलब फ़ोटो कॉपी है उनकी भी एक वो सेट बना के लेके गए थे। उसके बाद उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि आपका जो एग्जामिनर थे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कर रहे थे तो उनका जो है वो मतलब कैसे थे, तो उन्होंने बोला कि वो बहुत लिबरल थे, ऐसा आपको डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास DV के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि एस्पिरेंट बोल रहे थे कि सर हमारा जो है वो डिग्री अभी आएगी, हमने अप्लाई कर दिया या ऐसा है, तो वो आपको अंडरटेकिंग दे देंगे और वो अंडरटेकिंग का मतलब है कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करवा देने हैं। तीसरी बात मतलब एक अलग बात ये है कि उन्होंने आपसे जो है आपकी असेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में भी पूछा है। असेट और लाइबिलिटी मतलब आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, आपके नाम पे कोई लोन तो नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपने कहीं से लोन तो नहीं लिया या कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ, अगर नहीं है तो आप वहाँ पर सिंपली ना बोल सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये था उनका डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस थी उसका जो है उनका उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये उनका एक्सपीरियंस था। ओवरऑल उन्होंने बोला कि मेरा जो है वो डीवी की जो प्रोसेस थी वो मैं सुबह में स्केड्यूल टाइम पे वो वहाँ पे पहुँच गई थी, ब्रेकफास्ट करने के बाद उनका जो है 2.5 से 3 घंटे में उनकी जो है डॉक्यूमेंट की प्रोसेस वो ख़त्म हो गई थी। तो आपको भी जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन आपका होगा वो वहाँ पर जो लोग होंगे वो लिबरल ही लोग होते हैं और आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।